खबर उत्तर प्रदेश कानपुर से लगातार होटलों की आ रही शिकायतों को देखते हुए कलेक्टरगण ACP तेज बहादुर सिंह ने होटल संचालकों को बुलाकर अपने कार्यालय में बैठक की, जहां पर ACP ने होटल संचालकों को ये हिदायत देते हुए कहा कि बिना ID नाबालिग युवती युवकों को कमरा न दें। अगर किसी भी तरह की कोई संदिग्ध व्यक्ति होटल में रुकता है तो उसकी जानकारी संबंधित थाने में दी जाए। ACP के आदेश के बाद भी चंद होटल संचालक ही कार्यालय पहुंचे। असल में जो हमारा क्षेत्र है, विशेषकर होटल वाला क्षेत्र है, तो ये था कि 3-4 बिंदुओं पे इनको बताने के लिए यहाँ पर बुलाया गया था कि जैसे कोई भी अनैतिक तेह व्यापार या इस्पा सेंटर इलीगल रूप से नहीं चलाएगा, और फिर आगजनी की घटना हुई तो उसके संबंध में बताया गया कि आगजनी की जो घटना हुई तो उसके संबंध में आगजनी के भी न होने के उपाय कर लिए जाएँ। साथ ही साथ अकॉर्डिंग टू लॉ जो भी बाहर से रुकने वाले लोग हैं उनके लिए ID लेकर के ही रुकाएं, और अन्य सुरक्षात्मक संदेश उनको प्रदान किए गए, उसी संबंध में विचार विमर्श किया गया। तो जो भी नियम के अनुसार कार्रवाई हो, जो भी बनेगा, जिस तरीके का अपराध पाया जाएगा उसके मुताबिक कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। हाँ, ये भी बताया गया इनको कि सारे लोग जो भी ID लेकर के उनको रुकवाएंगे, और साथ ही साथ अनावश्यक कोई भी इलीगल काम नहीं करेंगे, और कुछ होता है तो अपना नंबर भी मैंने दिया हुआ है। एक ग्रुप बनाया गया है होटल वालों के साथ में कि अगर कहीं कोई होती है तो इन्फॉर्मेशन पास करके बताएं, कोई संदिग्ध व्यक्ति रुकता है तो उसके बारे में शेयर किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।